Você? Sí. सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो का काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूजर्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर 18 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि यह मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर यह अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो यह सिनेमाघरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा

थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेलेब बला है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोड लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी तो की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को तो हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोग लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर ये अवेलेबल है तो ये एक तो प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमा घरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेले बल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल जवा आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो है। देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोग को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा

थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेले बल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉमेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो है। लाइक दोस्तों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमा घरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेल बल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी जिंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर 18 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का और इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर यह अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमा घरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहाँ पर अवे अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के

होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूजर्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और काफी अच्छी खासी है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर यह अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के तो आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोग को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर कहा अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी जिंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब वर्जन में Netflix पर अवेलेबल है द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल

इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया करोड़ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर दी द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी इन्फॉमेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो है। है लाइक दोस्तों के साथ से शेयर भी कर वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट बजट बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस की तो इस का था 82 का, और इस मूवी मूवी का का था करोड़ एंड ने जो कलेक्ट किया वो वन सिक्सटी करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्बू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी दोस्तों के साथ इंफॉर्मेटिव से, से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि, कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए कलेक्ट तो किया रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के

होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों लो को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब वर्जन में Netflix पर अवेलेबल है द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो यह सिनेमाघरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो हम लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस को बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजी मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोग को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर कहा अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्डू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमा घरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेले बल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में ही मिलने वाले हैं तो है। है देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया करोड़ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेल बल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के बात आप लोगों को आज की इस वीडियो में ही मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस इस वीडियो वीडियो को को लास्ट तक से से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ भ्रमरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमा घरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेल अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉमेसन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी इन्फॉमेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों से गुजारिश है ताकि वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी जिंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि, कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा

थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो है। लाइक दोस्तों के साथ से भी कर वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल बालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के साथ हम आगे बढ़ें बात करें यहां पर कि इस की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहा अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के

इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन तो 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 को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम के

इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी की पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर, पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉमेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो है। लाइक दोस्तों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी जिंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की IMDB रेटिंग जो जो है है वो है जी आउट ऑफ कि काफी अच्छी खासी आईएमडी रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमाघरों में नहीं है तो कहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी

तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कलमानू और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट बजट बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस की तो इस का था 82 करोड़ का और इस मूवी मूवी का का था करोड़ एंड ने जो कलेक्ट किया वो किया 160 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अल देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो यह सिनेमाघरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस ये ये थे कि किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी

तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर एटीन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा लो परसेंटेज है हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती भी थी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहां पर ये अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब वर्जन में Netflix पर अवेलेबल है द गोट लाइफ ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रिल के साथ साथ एडवेंचर एंड ड्रामा ये सारा कुछ बहुत अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने अभी इस तक इस मूवी को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बहुत अच्छा सिनेमा जो है वो मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली सिनेमाघरों में ही इंजॉय करना चाहिए था बट अभी तो ये सिनेमा घरों में नहीं है तो कहां पर अवेलेबल है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी इस मूवी को लेकर वो सारे की सारी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉमेसन दी जाएगी जैसा कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के आप लोगों को आज की इस वीडियो में ही मिलने वाले हैं तो है। लाइक दोस्तों ताकि वो भी ऐसी आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर द गोट लाइफ के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी की अगर हम सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या रखी गई है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो एक इंडियन ताजर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जिसका नेम नजीब मोहम्मद है और वो सऊदी अरब जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर वापस जा पाए लेकिन सऊदी अरेबिया में वापसी पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो फ़ेस करने को मिलती हैं जहाँ पर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है तो क्या क्या कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में और सऊदी अरेबिया में तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए इस मूवी को एक्सपीरियंस करना होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है हाँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है मैं भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ कंट्रोवर्सी है तो आप लोग देख सकते हैं बाकी उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर के इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें ड्रामा देखने को मिलता है एडवेंचर देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो एडवेंचर और ड्रामा तो इसमें है ही लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो दो घंटे और पचास मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और

उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है ब्लेसी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर मैं बात करूँ कि इनकी पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को द गोट लाइफ उसी के साथ साथ कल और प्राणायाम उसी के साथ साथ ब्रह्मरम और उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि आप लोग को काफी अच्छी लग सकती हैं आप लोगों को उन्हें एक चांस देना भी चाहिए उसी के साथ हम बात करें बजट एंड बॉक्स ऑफिस की तो इस मूवी का बजट था एटी करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया वन करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है कास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पृथ्वीराज राज सुकुमारन देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अमला पॉल देखने को मिल जाएंगे तालिब अलबालूशी देखने को मिलेंगे रिक एबी देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को दे सकते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी कहाँ पर यह अवेलेबल है तो ये एक प्योर आप लोगों को देखने को मिल रही थी मलयालम जुबान की मूवी जो कि हिंदी डब्ल्यू वर्जन में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर